आज हम बनाएंगे मलाई पनीर कैप्सिकम करी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज देविका। इफ यू एंजॉय वाचिंग माय वीडियोस देन प्लीज डू सपोर्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड आल्सो डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लिया है 125 ग्राम्स ऑफ पनीर क्यूब्स। हमें चाहिए टमाटर, कैप्सिकम, प्याज, अदरक और हरी मिर्च, दो छोटे टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक पेस्ट कर लेंगे। हमें चाहिए फ्रेश मिल्क क्रीम यानी मलाई। मलाई मैंने लिया है 70 ग्राम्स जो कि ऑलमोस्ट एक कप के बराबर है। मलाई को हम एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए एक विस्कर या फिर स्पून की मदद से विस्क कर लेंगे। तेल गरम करेंगे, पनीर क्यूब्स को नमक और हल्दी के साथ फ्राई कर लेंगे। पनीर लो फ्लेम में फ्राई हो चुके हैं। अब हम कैप्सिकम क्यूब्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। दो छोटे प्याज के पेटल्स को सॉटे कर लेंगे। अनियन पेटल्स आर डन। अब हम तेल में तीन छोटी इलायची, दालचीनी और एक तेज पत्ता देंगे। ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून या फिर स्वादानुसार चीनी और थोड़ा सा हल्दी। मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे मलाई। अब इसे मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते रहेंगे जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम ऐड करेंगे पानी। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। उबाल आते ही हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, प्याज और पनीर। ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून गरम मसाला। अभी कवर करके कुक होने देंगे। नमक चेक करेंगे, इट्स डन। सो अभी हम फ्लेम ऑफ करके 10-15 मिनट्स का स्टैंडिंग टाइम देके फिर सर्व करेंगे। इट टेस्ट सुपर डिलीशियस विथ पलाव, राइस, पराठा और पूरी। प्लीज़ ट्राई आउट दिस रेसिपी।
कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.